हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ अबाउट द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रियम्बल का मतलब क्या। प्रियम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं बल्कि हर एक्ट और स्टैट्यूट में होता है। कोई भी और एक्ट और स्टैट्यूट अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहली जो तीन चार लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं प्रियम्बल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट या फिर एक्ट। तो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल का पर्पस क्या। प्रियम्बल का पर्पस होता है ये बताना कि उस पर्टिकुलर एक्ट का, उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है। तो वैसे ही जो प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस भी है ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यही दो चीजों के लिए इस प्रियम्बल को बनाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, क्योंकि वही आज की वीडियो में मैं आप सबको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल, जो कि ये कहता है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से यहाँ क्या मतलब है, ये फर्स्ट लाइन ही हमें ये बता देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए जो पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया वो ये बताती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया है, पीपल ऑफ इंडिया ने खुद को दिया है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। पीपल ऑफ इंडिया ने, जो भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और वो ही इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। तो इसीलिए जो ये पहली लाइन है वो ये बात क्लियर कर देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। साथ ही साथ फिर ये प्रियम्बल ये भी बात करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, किस तरीके से इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं हम जो लोग हैं, वो किस तरीके से क्या चाहते हैं इंडिया कैसा हो। इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, तो इस तरीके से वो बनाना चाहते हैं। और उसके बाद बात की जाती है ऑब्जेक्टिव्स की, कि प्रियम्बल जो है किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है। जस्टिस अचीव करना चाहता है, लिबर्टी अचीव करना चाहता है, इक्वालिटी अचीव करना चाहता है, फ्रेटर्निटी अचीव करना चाहता है। तो आज इन सभी शब्दों के मतलब हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है, सॉवरेन का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, किसी कंट्रोल के अंदर नहीं है, किसी एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल के अंदर नहीं है। इंडिया खुद जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अपने लॉज खुद बनाती है, उनको खुद एग्जीक्यूट करती है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल पावर का इंटरफेरेंस नहीं है और इसी का मतलब है सॉवरेनिटी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ जो कि है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड इनिशियली प्रियम्बल का पार्ट नहीं था, ये जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 के अंदर आया था उसके बाद ये वर्ड सोशलिस्ट प्रियम्बल के अंदर जोड़ा गया, जिसका मतलब है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करती है। यानी यहाँ पे सब में किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है या कोई पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकता है या नहीं। यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जस्टिस दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इन सभी तीनों चीजों का ध्यान रखा जाता है कि किसी की भी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का और ना तो किसी के इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे जो है वो भेदभाव करना चाहिए। तो सोशलिस्ट यही बात कहता है दैट एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है जहाँ पे सभी के पास सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्युलर की। जो ये सेक्युलर वर्ड है वो भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का पार्ट नहीं था, उसे जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, यानी 1976 में जो है ये सेक्युलर वर्ड इस
प्रियम्बल का पार्ट बना। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब ये होता है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में इंडिया बिलीव नहीं करता है। इन इंडिया सब सारे रिलीजन्स बराबर हैं, सबको आजादी है अपना रिलीजन प्रोफेस करने की, प्रोपोगेट करने की, और ये इस तरीके के सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यहाँ पे सारे धर्म बराबर हैं, सबको आजादी है अपने धर्म को फॉलो करने की, जहाँ पे भी वो पूजा करते हैं, जिस भी भगवान में मानते हैं, जो भी त्योहार मनाते हैं, हम सभी लोग अपने अपने त्योहार अपने अपने रिलीजन में बिलीव रख सकते हैं। इसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पब्लिक पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है अथॉरिटी। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जो जनता है, जो लोग हैं, वो ही अथॉरिटी है। एंड इट लिटरली डेमोक्रेसी सिग्निफाइज द रूल ऑफ द पीपल, कि जनता का रूल है, लोग चुनते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द अब्राहम लिंकन आल्सो, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी जनता का रूल है, लोगों का रूल है, इट इज द रूल ऑफ द पीपल। अगर इंडिया में बात करें तो क्यों डेमोक्रेसी है? इसलिए डेमोक्रेसी है कि इलेक्शंस होते हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं इंडिया के, पीपल ऑफ इंडिया, वो उस इलेक्शन में जो है जिसको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं वो चुनते हैं। अपना लीडर कौन चुनते हैं? जनता चुनती है, लोग चुनते हैं। और जैसे अगर टेन्योर के बाद लोगों को लगता है कि नहीं, इस लीडर ने अच्छा काम नहीं किया, तो वो उसे इलेक्शन के थ्रू ही हटा भी सकते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी क्या सिग्निफाई करती है? डेमोक्रेसी सिग्निफाई करती है रूल ऑफ द पीपल। तो यही मतलब है डेमोक्रेटिक का। इसके बाद जो लास्ट है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया में कोई भी हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, यानी कोई भी लीडर इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका बर्थ राइट है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जो इंडिया के लोग हैं वो लीडर्स को चुनते हैं इलेक्शन में, और फिर वो लीडर्स बनाए जाते हैं, वो लोगों को चुनते हैं। तो देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्क लाइक अ किंग और क्वीन, या फिर यहाँ पे कोई भी बर्थ राइट की वजह से लीडर नहीं बनता है। इसके बाद जो है, ये पांच वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं किस तरीके से, एज अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सभी में हम कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल। तो ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस। जस्टिस कैसी? जस्टिस के भी तीन पॉइंट्स हैं। जस्टिस होनी चाहिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस में ये कहा जाता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किस बेस पे? कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, इन बेसिस। उसके बाद सोशल जस्टिस में सबको बराबर समझेंगे, सबको बराबर का न्याय का अधिकार है, और इन बेसिस पे किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आती है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस यानी सबको बराबरी का हक है, किसी में भी इसलिए भेदभाव नहीं होता क्योंकि किसी का वेल्थ जाता है, किसी का इनकम स्टेटस ज्यादा है, किसी का इकोनॉमिक स्टेटस जाता है। तो सारे लोग इक्वल पोजिशन पे है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसके बाद थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी इंडिया में हर इंसान को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने का राइट है। किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता क्योंकि तुम एक पॉलिटिशियन के बेटे हो इसीलिए इसके अंदर आ सकते हो, नहीं, हर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, सभी को ये हक है। तो जस्टिस जो ऑब्जेक्टिव है जो कि गिवन है प्रीएम्बल में, वो किस में डिवाइडेड है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। लिबर्टी जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव की गई है? वो लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव की गई है, जिसका मतलब है फ्री, आजादी,
कैसी आजादी? जब प्रियम्बल में बात करते हैं तो यहाँ पे आजादी की बात हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है। तो ये जो लिबर्टी का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आजादी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले आया था 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पे लीडर्स ने कहा कि लिबर्टी का मतलब है कुछ भी करने की आजादी, ठीक है, द पावर टू डू लाइक एनीथिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी दूसरे की आजादी को इंजर करे, जो किसी दूसरे की आजादी में दखल दे। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की आजादी है, लेकिन आप किसी और की आजादी में दखल ना दे रहे हो, सिर्फ तब तक। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, जो प्रियम्बल है वो कहता है कि हमारे पास आजादी है हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, अपना अपने आभाव को एक्सप्रेस करने की, अपना बिलीफ फॉलो करने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की, किसी भी भगवान को वर्शिप करने की हमें आजादी है। हमारे पास क्या है, वो लिबर्टी है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी की जब हम बात, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है हर तरीके की इक्वालिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। इक्वालिटी पहले नहीं थी, क्योंकि पहले काफी लोग अनटचेबल समझे जाते थे, जिन्हें जिन्हें अलाउड नहीं था कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जा सके, जो मंदिर है वहां पे जा सके, जो पब्लिक वेल्स हैं, कुएं हैं, वहां से पानी ले सके, उनके लिए सब कुछ अलग होता था। तो इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता है, वो मना करता है कि ये सब अलाउड नहीं है। और हमारा प्रियम्बल जो है वो स्पेसिफिकली बोलता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और कॉन्सेप्ट की बात कही गई, वो कॉन्सेप्ट है दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। यानी जो लोग समान हैं, एक स्टेटस में हैं, एक लेवल पे हैं, उन्हीं को हम इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। जो लोग पहले ही नीचे हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, एक इंसान यहाँ है, एक इंसान यहाँ है, उन्हें हम इक्वली कैसे ट्रीट कर सकते हैं? और इसी वजह से कॉन्सेप्ट आया रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उन्हें जो ऑलरेडी प्रिविलेज लोग हैं उनके बराबर लाने के लिए क्या जरूरी है कि उनको इक्वल मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और इसीलिए उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया ताकि वो बाकी प्रिविलेज लोगों के बराबर आ सके। और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है इक्वल, इक्वालिटी तो होनी चाहिए बट इक्वल, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, दैट आप ये फीलिंग जगाना कि हम सब लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो एक ही मदरलैंड के बच्चे हैं, एक ही सॉइल के बच्चे हैं, और इसीलिए हम सबको पीसफुली प्यार से रहना चाहिए, हम सब में स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होनी चाहिए। और ये सब चीजें जो फ्रेटर्निटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी का, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो है कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया था, ये हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट लिया, जहाँ पे ये लोगों में ब्रदरहुड की स्पिरिट जगाने की कोशिश की जाती है, और जहाँ पे ये समझाया जाता है कि हम सब एक ही मदरलैंड के बच्चे हैं, हम सबको पीसफुली प्यार से रहना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रियम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इन केस यू हैव एनी क्वेरी इन रिगार्ड टू लीगल मैटर्स और लीगल एजुकेशन, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी। द लिंक फॉर द सेम इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच।